अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मटन सीख कबाब, जो कि हम सभी के फेवरेट होते हैं मोस्टली। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने बाउल में लिया हुआ है 1 किलो बकरे का कीमा। अब इसमें जाएंगे 1 कप पुदीने के पत्ते, 1/2 कप हरा धनिया, 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें जाएंगी इसमें कटी हुई, 1 कप इसमें जाएगी तली हुई प्याज। मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज को पतला पतला काट कर उसको तल लिया था गोल्डन फ्राई होने तक। अब इसमें 2 खाने के चम्मच भर के जाएंगे सीख कबाब मसाला, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, 3 टीस्पून साबुत हरा धनिया, 6 से 8 मैंने इसमें डाली हैं लौंगी मिर्चें, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून या हसबे जायका, क्योंकि हमने जो इसमें सीख कबाब मसाला डाला है उसमें ऑलरेडी नमक होता है। अब आखिर में इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको दोबारा से ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी ताकि इसमें जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड करके निकाल लिया है और अब मैं फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कीमा लिया हुआ है और अब मैं इसको लगाऊंगी स्क्यूअर पे। अगर आपके पास ये स्क्यूअर अवेलेबल ना हो तो आप चम्मच की मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हाथों में तेल नहीं लगाया क्योंकि मैं ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ग्लव्स यूज़ नहीं करते तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा दें। और अब यहाँ पे कबाब का शेप आ चुका है तो मैं इस स्क्यूअर को निकाल दूंगी और बाकी के भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी। यहाँ पे लिया हुआ है मैंने पैन और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल को मैं अच्छे से फैला दूंगी। मैंने इसकी फ्लेम लो रखी हुई है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने इसकी फ्लेम कितनी रखी हुई है। यहाँ पे मैं अब कबाब रख रही हूँ और इसको मैं पकने दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। तीन से चार मिनट हो गए हैं और अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। बहुत ही ध्यान से इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। और यहाँ पे आप साइड चेंज होते हुए देख सकते हैं कि इसका कलर डार्क नहीं हुआ। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका कलर जल्दी से डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। अब 3 से 4 मिनट बाद फिर से मैं इसकी साइड्स चेंज कर रही हूँ और हर 4 मिनट बाद या 3 मिनट बाद आपने इसकी साइड्स चेंज करते रहनी है। यहाँ पे कबाब बनके रेडी हैं और आप देख सकते हैं कि इनका कितना अच्छा और परफेक्ट कलर आया है। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको आप कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो फिर तो लाजमी बनता है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।